आदाब नाज़रीन, अवाम उर्दू न्यूज़ बुलेटिन पेश करने से पहले हदीस मुबारक पेश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, या फरमाया खुश्क घास को खा जाती है। अबू दाऊद। बासर तहसील ऑफिस में तमाम दस्तावेजात की तनखीद जिला कलेक्टर एम प्रशांत ने की और अहदेदारों को हिदायत की कि पार्लियामेंट इलेक्शन के पेश नज़र तमाम ज़रूरी हिदायत के तहत उस काम को अंजाम दें ताकि पार्लियामेंट इलेक्शन पुरअमन तौर पर मुनक़द हो सके, अवाम अपने हक रायदे का सही इस्तेमाल करें। इस मौके पर तहसील ऑफिस अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने काबीना इजलास में 2019 के सेशन में बजट पेश किया जो तमाम कौम को मद्देनजर रखते हुए पेश किया, जिसमें अखिलेतों के लिए 2004 करोड़ का बजट शामिल किया गया जो खुश आइंद है। ये बात नायब सदर टीआरएस पार्टी फारूक अहमद सिद्दीकी ने बताई। इस मौके पर मोहम्मद कासिम भंडारी भी मौजूद थे। हम खैर मकदम करते हैं और सीएम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अखलियतों की पसमानदगी को दूर करने के लिए, अखलियतों के हालात को सुधारने के लिए, अखलियती लड़कों की तालीम के लिए जो उन्होंने अपना टारगेट बनाया, आज तक किसी हुकूमत ने मसाजिदों की खिदमत करने वालों को, मसाजिदों की में इमामत करने वालों को का ख्याल नहीं किया था, मगर सीएम केसीआर साहब ने इमाम और मौजिन के लिए माहाना 5000 रुपये का मुशाहरा जो रखा है, और इसी तरीके से 100% सब्सिडी पर जो लोन दिया जा रहा है अखिलियतों के लिए, और जैसा कि पूरे रियासत के अंदर 2204 अखिलियती अकामती स्कूल और 12 जूनियर कॉलेज चलाए जा रहे हैं, ये जिसमें हज़ारों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये जो स्कीमात सीएम साहब के है ये रियासत में तो एक इंतहाई मकबूल है मगर पूरे मुल्क के अंदर इसका शोर मचे हुआ है, हर रियासत इसकी कापी कर रहा है। सीएम केसीआर साहब ने खुसूसन अखिलियतों के ताल्लुक से जो प्लान तैयार किया है वो काबिले सताइश है, और इसी तरीके से गुज़िश्ता में कई हुकूमतें आई हैं मगर कभी है ना अखिलियतों के ताल्लुक से इस तरीके का बजट पेश नहीं किया, ना अखिलियतों की पसमानदगी को दूर करने के लिए इस तरीके के स्कीमात लॉन्च किए। मैं ये फिर एक बार सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और सीएम केसीआर साहब ने हाल ही में कश्मीर के पुलवामा में जो दहशत गर्दाना हमला हुआ और हमारे फौजी जो हलाक शहीद हुए उनके लिए 25-25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का जो ऐलान किया है, मैं उसका भी खैर मकदम करता हूँ। महिसा शहर के 18 और 21 वार्ड के मुतवातिन वड़म राजेश्वर वो इन्नु पोतुला मल्लेश्वर के हमरा 70 नौजवानों के साथ हैदराबाद बीजेपी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी पार्टी में शुमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर लक्ष्मण, साबिका मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय व दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। जॉइन అవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా రాజేశ్వర్ బెంసా పట్టణం నుండి అదే విధంగా గణేష్ వచ్చి శ్రీ దత్తాత్రేయ గారిని శాల్వా కండువా వేయించుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదే విధంగా పట్టణ వాళ్ళని అందరూ కూడా దత్తాత్రేయ గారిని సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది.
उर्दू न्यूज बुलेटिन यही खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अशफाक अहमद।